Hello friends, welcome back to the class of NPC. My name is Trupti and today we will discuss about the types of semiconductor. There are two types of semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Okay, and in our last video lecture, we have discussed about the introduction of semiconductor, vacuum tube and classification of metals. Last video ke link aapko is वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पहले होते क्या हैं हम ये समझते हैं. ओके, देन फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर. सो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटीरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, सेमीकंडक्टर ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच. ओके, और जनरली हम जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है. ठीक है, नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर को प्योरिटी के बेसिस पर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही लेंगे. ओके, और दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक एटम अपने अराउंड चार एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये होता है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं. ये कैसे होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इट मीन्स इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं कर रहे हैं. प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होंगे. Ne इज इक्वल्स टू NH, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स. और इसे ही कॉमन में इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. ठीक है, Ni. एंड हियर यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट प्रोड्यूस होगी या करंट जनरेट होगी वो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स दोनों के कारण होगी. सो टोटल करंट I इज इक्वल्स टू IE. ओके, मीन्स करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड IH. ठीक है, होल्स के कारण जो प्रोड्यूस हुई है करंट वो एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का सम इज इक्वल्स टू द टोटल करंट. एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और रिकम्बाइन हो जाते हैं. ठीक है, एक ही पॉइंट पर, जैसे हमने एक होल रखा है यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही पॉइंट पर वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट इक्विलिब्रियम पोजिशन. ओके, नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर में, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की. ओके, सो इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और ये बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर. ठीक है, एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. कब, जब हमने टेम्परेचर 0 केल्विन रखा. ठीक है, मीन्स नॉर्मली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, 0 केल्विन पर रख रहे हैं, देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं एज एन इंसुलेटर. ओके, बट जब हम थर्मली एक्सपेंशन करते हैं, थर्मली हीट प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज किया हमने, देन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाकर फ्री हो जाते हैं. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अब अंदर बॉन्ड में नहीं आ सकता. ठीक है, वो फ्रीली मूव करेगा, बट इनसाइड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो वैकेंसी फुलफिल करने के लिए उसके प्लेस पे होल जगह ले लेंगे. ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री होके गया उसके प्लेस पे जो बची हुई वैकेंसी है उसे क्या बोलते हैं हम, होल. और इस कंडीशन में ये होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो अंदर नहीं आएगा, बट जो होल्स है इसको फुलफिल करने के लिए अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ सकता है वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया था उस पॉइंट पर वैकेंसी क्रिएट होगी तो वहाँ होल प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो इस तरह से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एंड मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और करंट बनता है. ओके, तो इसीलिए हम यहाँ टोटल करंट कहते हैं I इज इक्वल्स टू IE प्लस IH.
सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में आपको टू पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें इम्प्यूरिटी नहीं मिलाई जाती, और इम्प्यूरिटी नहीं मिलाई जाती इट मीन्स ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. ओके, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्यों आया, ठीक है, क्या ज़रूरत हुई, क्या नीड हुई कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को आपको लाना पड़ा. सो होता ये है कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी तो ऐड नहीं करते हैं. सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. बट आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मटेरियल्स चाहिए जिनकी कंडक्टिविटी या जिनमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकें. तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर तो इंसुलेटर बन गए, ठीक है, और इंसुलेटर की तो ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पर एक अदर ही मटेरियल की ज़रूरत हुई. तो हमने क्या किया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में इम्प्योरिटी ऐड कर दी, सो उसे ही हमने बोला एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच हैव सम इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड. ठीक है, व्हेन सम सूटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. ठीक है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो ये प्रोसेस डोपिंग कहलाती है. और जो एटम या जो भी हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी को हम कहेंगे डोपेंट्स. ओके, सो डोपेंट्स में डोपिंग करने के दो तरीके हैं. ठीक है, ट्राईवेलेंट एटम के थ्रू हम डोपिंग कर सकते हैं एंड पेंटावेलेंट एटम के थ्रू हम डोपिंग कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम ये टू सेमीकंडक्टर्स में हम या तो ट्राईवेलेंट एटम ऐड कर दें या फिर पेंटावेलेंट एटम ऐड कर दें. ठीक है, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ हमने ऐड कर दी तो हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बन गया और जो कि अच्छा खासा वर्क करेगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में. ओके, सो ट्राईवेलेंट एटम अगर आप ऐड करते हैं तो आपको लेना है इंडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम. ओके, और पेंटावेलेंट के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस. ये हमें ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट एटम्स के लिए इतना इन्फॉर्मेशन है. ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप. ठीक है, मीन्स एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अगर आप ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में, हम अगर पेंटावेलेंट एटम को ऐड करें, ओके, देन आपके पास जो सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस होंगे दैट इज़ द टाइप ऑफ एन टाइप. ओके, एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद आपका जो सेमीकंडक्टर होगा दैट इज़ डोनर टाइप. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पेंटावेलेंट में फाइव एटम, ठीक है, जो फाइव एटम है वो अपने अराउंड फोर एटम्स से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर फोर एटम हैं अराउंड. ओके, और यहाँ पेंटावेलेंट में फाइव हुआ तो एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा एटम को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं. ठीक है, डोनेट कर देते हैं और आपके पास फोर फोर एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाते हैं. एंड यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं एंड माइनॉरिटी में होल्स होंगे. सो एन ई इज़ ग्रेटर देन एन एच. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. सो आपको करंट भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू ज़्यादा मिलेगी, मीन्स करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन करंट थ्रू होल्स. ओके, दिस इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट एटम्स ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में. और ट्राईवेलेंट में क्या होता है कि थ्री एटम्स ऐड होते हैं, अनदर फोर को जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनमें. ठीक है, सो फोर चाहिए आपको बट यहाँ थ्री है तो आपको एक एटम और लेना होगा. ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्सेप्टर. ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो करंट भी नंबर ऑफ होल्स के थ्रू ग्रेटर होगी. ठीक है, मोर होगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर.
आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.